प्रकाश और प्रकाश के अपवर्तन में जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल में, वो मैं सारा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं आपको। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? देखिए निकालना क्या है, एक तो अपवर्तनांक इक्वल टू देखिए क्या होता है एन, ठीक है, अपवर्तनांक को हम लोग एन से नोट करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो यहां पे हम लोगों को क्या निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो वायु को हम लोग इंग्लिश में एयर बोलते हैं, ठीक है, एयर, और यहां पे एन लिखेंगे, ठीक है, और ये किसके सापेक्ष हम लोगों को निकालना है, कांच के सापेक्ष में, यानी ग्लास के सापेक्ष में निकालना है। तो देखिए जब क्वेश्चन में वायु में प्रकाश की चाल जब दिया रहे ना, तो ए एन जी का जो वैल्यू होगा वो भी होगा एन के बराबर ही, ठीक है। ये ए एन जी जो है क्या है, हवा के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। और देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3×10⁸ लिख दिए, 3×10⁸ अपॉन में क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ माध्यम कौन है, कांच में प्रकाश की चाल, यहाँ कांच माध्यम है दूसरा माध्यम, तो 2×10⁸ हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे ये दोनों कटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1.5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तेल की पतली परत पानी पर तैर रही है, एक प्रकाश किरण 45 डिग्री के आपतन कोण पर तेल की सतह पर आपतित होती है, किरण द्वारा पानी के अंदर बनाए गए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? देखिए ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे लिखा है और ए बी सी करके ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। एक तेल, देखिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि एक ये देखिए ये पानी है और इसके ऊपर एक पतली सी परत जो है तेल की है, ठीक है। तो प्रकाश जो आएगी पहले, तो इधर से प्रकाश, ठीक है, प्रकाश इधर से आएगा, ठीक है। आने के बाद क्या होगा, देखिए ये इस माध्यम से होके गुजरेगा, तो यहाँ पे इस जगह में, ठीक है, इस जगह में देखिए यहाँ पे कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण बोलते हैं इसको, आपतन। तो ये सॉरी यहाँ पे ये आपतन कोण है, ठीक है, तो इसको आई बोलते हैं। तो ये इस माध्यम में आया, ठीक है, ये पहले हवा के माध्यम में था यानी वायु के माध्यम में था। जब वायु के माध्यम से ये देखिए तेल के माध्यम में गया, तेल के माध्यम में गया, तो फिर यहाँ भी इस जगह में, ठीक है, इस जगह में, अब इस जगह में कोई एक एंगल बनता है जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ये I2 बनाता है। अब तेल के माध्यम के बाद ये पानी के माध्यम में जाएगा, तो पानी के माध्यम में जब ये जाएगा तो फिर यहाँ एक एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या बोलते हैं, I3 बोलते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण देखिए यहाँ पे तीन को बन रहा है, एक आई, एक I2 और एक I3, I1, I2, I3। तो देखिए एक रिलेशन होता है, और देखिए यहाँ चूंकि तीन माध्यम से गुजर रहा है ये, ठीक है, जो प्रकाश है वो तीन माध्यम से गुजर रहा है, इसलिए हम लोग तीन अपवर्तनांक लेंगे। तो पहला अपवर्तनांक है N1, दूसरा अपवर्तनांक N2 और तीसरा N3। तो देखिए नियम क्या कहता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आई यानी अपवर्तन कोण का जो साइन होता है उसके गुना के बराबर होता है, ठीक है। ये पहला माध्यम के लिए हो गया, तो दूसरा माध्यम और पहला माध्यम का जो ये प्रोडक्ट होगा अपवर्तनांक और साइन और आपतन कोण का जो साइन है वो दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन माध्यम है तो हम लोग इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ से हम लोग तीन माध्यम दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, लास्ट वाला जो I3 निकालना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो लास्ट वाला I3 हम लोग को निकालना है। तो चलिए I3 निकाल लेते हैं। तो I3 देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम लोग इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से N1 साइन I1 इक्वल टू N3 साइन I3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे साइन I3 पहले I3 चाहिए हम लोगों को, ठीक है, साइन I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ है साइन, यहाँ हो जाएगा देखिए N1 और ये इधर गुना था तो अपोजिट साइड में भाग हो जाएगा, तो N3 होगा। और देखिए इधर क्या बच जाएगा, साइन I1 बच जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कुछ नहीं, मैंने साइन I3 जो है इसको बस इसको अलग करके लिख दिया, ठीक है। तो साइन I3 को अलग करके जब लिख दिए तो ये N1 है,
ये इधर प्रोडक्ट में, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो एन वन अपॉन एन थ्री और साइन आई वन हो जाएगा यहाँ से। तो बस ये एन वन क्या है, तो एन वन है यहाँ पे, एन वन है तेल का अपवर्तनांक, और ये एन थ्री क्या है, ये पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया है एन वन, तो देखिए यहाँ पे एन वन और एन थ्री का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए जो एन वन है वो क्या है, पानी का अपवर्तनांक है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.33 है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वन लेंगे, और एन थ्री क्या है, तो एन थ्री है तेल का अपवर्तनांक। तो एन थ्री का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 1.45 है। ठीक है, कितना है 1.45। और यहाँ पे साइन आई वन का वैल्यू लिखेंगे, तो आई वन का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ऊपर में आई वन का जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, यानी आपतन कोण का वैल्यू। आई वन क्या है, आपतन कोण है, यहाँ पे हम लोग 45 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/1.45 आएगा, इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, और 1/√2 का जब हम लोग वैल्यू रख के इसको जब पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इधर तो साइन आई थ्री आएगा। ठीक है, साइन आई थ्री, यहाँ भी हो जाएगा साइन आई थ्री, यहाँ भी हो जाएगा साइन आई थ्री। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना देगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.53। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके इसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए इधर से जब आई थ्री हटेगा, ठीक है, आई थ्री का मान चाहिए, आपतन कोण का मान चाहिए हम लोगों को। तो देखिए आई थ्री इधर, आई थ्री जब इधर से साइन हटेगा तो ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा। ठीक है, 0.553। देखिए इधर से जब साइन हटता है ना, तो ये साइन इनवर्स का एक रूल होता है साइन का। देखिए इधर से अगर साइन हटाएंगे तो ये साइन अपोजिट साइड में जाएगा और ये इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कितना, 0.53 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, साइन इनवर्स 0.53। एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि √3 है तो इसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। देखिए एक समबाहु प्रिज्म है, उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है √3, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण हम लोगों से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और विचलन, न्यूनतम विचलन कोण के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू। ठीक है, देखिए ये अपॉन है साइन ए बाय टू। तो ये ए को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का कोण, डेल एम को बोलते हैं विचलन कोण, और ये एन जो यहाँ पे स्मॉल एन लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और विचलन कोण के बीच में ये संबंध होता है। इस संबंध को आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये प्रिज्म है, कोई प्रिज्म, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसको प्रिज्म का कोण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एन, एन यानी क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है इस पदार्थ का, √3 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एन की जगह √3 लिखेंगे। साइन ए, प्रिज्म का कोण कितना है, तो आप जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ समबाहु प्रिज्म है, तो समबाहु प्रिज्म है मतलब समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो यहाँ पे जो प्रिज्म कोण है वो 60 डिग्री बनाएगा। प्लस डेल एम मीन्स क्या, विचलन का कोण, तो यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण ही हम लोगों को निकालना है। तो डेल एम तो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, जैसा वैसा ही रह जाएगा, इसी को निकालना है। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में हो जाएगा साइन ए बाय टू। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, तो यहाँ पे 60/2 रखेंगे। ठीक है, ए बाय टू। तो अब देखिए साइन इधर तो वैल्यू हमारा साइन में आएगा, तो साइन कितना का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो साइन कितना का वैल्यू, तो चलिए सबसे पहले इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये √3 है, यहाँ साइन, यहाँ देखिए 60 के नीचे 2 है और डेल एम के नीचे भी 2 है, तो 60/2 मतलब कितना, 30 डिग्री हो जाएगा, और डेल एम बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे साइन 60/2 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 30 होगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। तो ये जब 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, या फिर इससे जब इसका गुना हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते, तो देखिए ये हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे √3 साइन, देखिए ये 1/2 ऊपर में जाके 2 बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस डेल एम बटा 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। चलिए अब देखिए इधर ये 2 गुना में, तो इधर भाग हो जाएगा, तो √3/2 बराबर साइन 30 डिग्री प्लस डेल एम बाय टू। डेल एम क्या है, विचलन का कोण है, जो कि निकालना है आंसर में।
अब देखिए साइन इधर है तो साइन में ही हम लोग इसको भी लिखेंगे, तो साइन कितना का मान, ठीक है साइन कितना का मान रूट थ्री बाई टू होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस डेल एम बाय टू, ठीक है। अब देखिए इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, साइन साइन कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो 60 डिग्री बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस डेल एम अपॉन में टू हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री, ये 30 इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, 30 डिग्री इक्वल टू डेल एम अपॉन टू। तो यहां से जब हम लोग डेल एम निकालेंगे तो देखिए इसके नीचे तो डेल एम हो जाएगा, डेल एम इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो डेल एम क्या है, डेल एम हमारा न्यूनतम विचलन कोण है, तो देखिए यहां से आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है न्यूनतम विचलन कोण निकालने के लिए बोला गया था तो कितना आया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में क्या संबंध होता है। तो अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक एन ठीक है, और क्रांतिक कोण देखिए ये जो सी आप देख रहे हैं ना, इसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो एन इक्वल टू वन बाई साइन सी, ये फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में ये संबंध होता है, एन इक्वल टू वन बाई साइन सी। तो यहां से हम लोग बस वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए अपवर्तनांक पूछा गया यानी एन पूछा गया, तो वन अपॉन कितना हो जाएगा साइन सी, और सी क्या है, सी क्रांतिक कोण है, तो क्रांतिक कोण का मान कितना है 45 डिग्री, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिए। अब देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा, एक बटा साइन 45 का मान कितना होता है, तो एक बटा रूट टू होता है, ठीक है। तो ये जब ऊपर उठेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए रूट टू हो जाएगा, तो यहां से आंसर आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, पानी के लिए म्यू 4/3 है, जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी। देखिए जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी, मतलब हमसे आभासी दूरी पूछा गया है, इसीलिए तो लिखा है यहाँ पे प्रतीत होगी। तो देखिए ए 20 सेंटीमीटर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ जो म्यू लिखा हो ना, ये म्यू क्या है, ये अपवर्तनांक है, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 लिखा हुआ है। तो देखिए अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या होता है, अपवर्तनांक इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जल का देखिए 4/3 दिया है, तो 4/3 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लिखेंगे। इसके बाद देखिए वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई यहाँ पे कितना दिया है, देखिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर ये वास्तविक गहराई है, ठीक है। इसमें पानी की ऊंचाई लिखा है, ये वास्तविक गहराई होगी पानी की, तो 15 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आभासी गहराई पूछा गया, तो आभासी गहराई को हम लोग मान लेते हैं एक्स, जो कि हम लोग से आंसर में पूछा गया, हम लोग से यही क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कितना दूरी पर प्रतीत होगी, यानी हम लोगों से आभासी गहराई पूछा गया है, तो बस यहाँ से जनरली हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 और यहाँ हो जाएगा 4x, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 45/4, ठीक है। तो इसके बाद इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.25, ठीक है 11.25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। एक ग्लास की प्लेट के अंदर एक छोटा सा हवा का बुलबुला है, एक प्रेक्षक को यह बुलबुला ग्लास में नीचे की ओर लंब रूप में देखते हुए नजदीकी सतह से 2 मिलीमीटर की दूरी पर दिखता प्रतीत होता है, वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है ABCD करके, तो चलिए जानते हैं कि वास्तविक दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ग्लास है, ठीक है ग्लास है, बस आपको इतना समझना है कि ग्लास की प्लेट के अंदर एक छोटा सा हवा का बुलबुला है, तो यहाँ पे जो ग्लास का प्लेट है, ठीक है, वो कांच का अपवर्तनांक बराबर हम लोग जो ऊपर में जो फॉर्मूला देखे उसी फॉर्मूला से ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक बराबर हम लोग जानते हैं वास्तविक गहराई, ठीक है वास्तविक गहराई बटा होता है आभासी गहराई, आभासी गहराई, इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें। तो देखिए प्रतीत तो होता है, यहाँ पे क्या लिखा कि देखते हुए नजदीकी सतह से 2 मिलीमीटर की दूरी पर प्रतीत होता है, प्रतीत होता है मतलब आभासी लिखा हुआ, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना है ग्लास के लिए, तो देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है कि 1.5, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1.5। और वास्तविक गहराई निकालना है, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है एक्स मान लिए अपने से, और आभासी गहराई कितना है, तो आभासी गहराई जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 2 दिया हुआ है, 2 mm। तो एक्स इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3, और चूंकि मिलीमीटर में दिया हुआ हमारा जो
क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्वेश्चन में हम लोगों का जो जो लिखा है वो मिलीमीटर में है, तो आंसर भी मिलीमीटर में हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 3 मिलीमीटर, एक्स क्या है, वास्तविक गहराई है। तो देखिए हम लोग से यही पूछा गया कि वास्तविक दूरी क्या होगी, ठीक है, वास्तविक दूरी क्या होगी, दूरी यहाँ पे गहराई को आप काट के दूरी कर देंगे, ठीक है, दूरी कर देंगे तो 3 मिलीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।